जो पृष्ठ संख्या 36 पर दिया उसको लिखने के लिए चल रहे हैं। पहले मैं कुछ आपको परिचय करा दूं। देखो ध्यान से, इधर आ जाओ सब लोग, कि कहीं अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच में होगा तो उसको आप एल्केन के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एल्केन। कहीं डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन लिखिएगा। सब लोग जानते हो नहीं, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वहाँ पर एल्काइन लिखिएगा। यह आपको हेल्प करेगा बताने में। कहीं आपको OH दिखाई दे दे तो आप एल्केन में OL जोड़ दीजिएगा। कहाँ जोड़ देना है? OL। कहीं CHO आ जाए तो आपको एल्केन में AL जोड़ देना है, ये भी ध्यान रखना है। कहीं COOH आ जाए तो आपको एल्केन में ओइक एसिड जोड़ देना है। कहाँ जोड़ना है? ओइक एसिड। कहीं NH2 आ जाए तो आपको एमीन माने एल्केन एमीन लिख देना है। एल्केन लिख करके आप इसमें एमीन जोड़ देंगे। कहीं आपको CO आ गया है तो आप एल्केन लिख करके इसमें ओ यान ई जोड़ेंगे, एल्कोनेन। कहीं ओ आ गया है तो आप इसको हमेशा एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ पर्चे आपको दे दें, थोड़ा सा एक और चीज़ बता दें। सी होगा, सी एल वगैरह होगा, इसको हमेशा हेलो एल्केन के रूप में लिखते हैं। चलिए, हेलो माने जानते हैं? बताओ हेलो की हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ बोलिए। हेलो की हिंदी में नमस्ते कहते हैं। हम लड़का सही बोला है। किसी से आप हेलो बोलते हैं तो इसका मतलब हुआ नमस्ते कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ, फोन की बात मैं कर रहा हूँ, उसका मतलब नमस्ते होता है। अरे यार, पत्नी का नाम तो उससे क्या हुआ, लेकिन जब अंग्रेजी में इसका यूज करते हैं तो हेलो का मतलब होता है नमस्ते। वो पत्नी की होगी या अपना लड़की की होगी वो तो अलग चीज होता है। उतना हम लोग होशियार नहीं है। अगर आज हम लोग उतना अच्छे होते, उतना दिमाग होता तो ये कर कर नीचे थोड़े रहते, महल में रहते। लेकिन हम लोग के पास उतना दिमाग ही नहीं कि महल कैसे बनवाए। चलो आइए, तो आप के सामने एक पहला वाक्य दिया गया, सी अस्थेरी सी डबल ओ एच। क्या दिया? सी अस्थेरी सी डबल ओ एच। सोच के बताओ इसका नाम क्या होगा। आप उसमें मत देखिए, यहाँ ब्लैकबोर्ड पर देख के ही बताइएगा क्या नाम होगा। आप इसके यहाँ भी दिया गया है, देखिए यहाँ पर है ना। अच्छा, कार्बन एक है तो मेथ सबको याद है ना, कार्बन कितने हो रहे हैं? दो। तो आप इसको क्या लिखेंगे? एथेन लिख करके एथेनोइक एसिड लिख सकते हैं। समझ में आया? आपको लिखा गया है, यहाँ पर लिखिए ना कि आप ओइक एसिड इसमें जोड़िए। कार्बन अगर एक रहेगा तो मेथेन लिखेंगे, कार्बन दो रहेगा तो एथेन लिखेंगे, एथेनोइक एसिड हो गया। चलिए आप आइए, सेकेंड में चलते हम लोग। यच सी यच ओ आपका रहेगा, यच सी यच ओ। अच्छा बताओ, एक कार्बन है तो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मेथेन। का जोड़ेंगे? सी एच ओ है तो ई एल। देखो यहाँ पर सब लोग लिखे हैं ई एल, आप इसमें जोड़ देंगे तो मेथेनाइल हो जाएगा। हिंदी में अगर लिखते इसको तो मेथेनाइल इस तरीके से आप लिखते हैं। चलो हिंदी में भी लिखते चल रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तीसरा आपका एच सी डबल ओ एच, एच सी डबल ओ एच। सोच के बताओ इसका नाम क्या होगा। फिर आपका वही एसिड आया है, क्या नाम होगा बताओ? एक कार्बन है, एक कार्बन है, मेथेनोइक। एथेनोइक मत करना, मेथेनोइक करना, ठीक है। तो आपको हिंदी में ही लिख देना है तो हिंदी में ही लिखिए, मेथेनोइक एसिड। या हम लोग जो भी लिखेंगे गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए चार नंबर पर आ जाओ। चार नंबर आपका दिया गया है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। सोच के बताओ इसका नाम क्या होगा। डबल बॉन्ड आ चुका है, याद करो, डबल बॉन्ड आ गया तो क्या जोड़ेंगे? ई यानी ई जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? प्रोपीन हो जाएगा। आप यहाँ पर प्रोपीन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? प्रोपीन। चलिए पांच नंबर पर आ जाते हैं हम लोग। पांच नंबर आपका दिया गया सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच होता है आपका। बताइए इसके साथ, सोच के बताओ कि इसका क्या नाम होगा। प्रोपाइन होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड में अगर है तो आपका वाई यानी ही क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो आपका प्रोपाइन हो जाएगा। प्रोप लिख करके यहाँ पर प्रोप लिख करके वाई यानी को जोड़ देंगे, प्रोपाइन हो जाएगा। चलिए सिक्स नंबर पर आते हैं, और सिक्स नंबर आपके पास होगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू।
अच्छा आपको नजर आ रहा है इसमें डबल डबल बांधा गया है, डबल। सुनो ध्यान से, पहले काउंट करो, एक दो तीन चार। एक मिनट आप बोले समझिए तो बोलेंगे, गलती हो जाए उतना सही नहीं बोल पाएंगे। बोलिए तारा, देखें कौन बता रहा है? बोल दिया सर। हाँ बोल दिया। कौन बोल रही है आप? का बोला बताइए, सुने है ना का बोला? सर वो बोला बंदर बोल दिया। कौन बोला? तो का बोला बंदर बताओ। अरे सुना ना बंदर बोला तो बता रहा है, बताओ। चले आइए सुनिए, एक दो तीन चार है तो देखो इसको पहले आप चार के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। चार के लिए ब्यूट। सुनो ध्यान से, कमा करो, एक लिखो, कमा करो, तीन लिखो, डैश कर दो, और डाई लिख करके इन जोड़ देंगे। देखिए ऐसा लिखा जाए ब्यूट, उसके बाद वन पर डबल बांड है इसलिए वन लिखे हैं। देखिए वन पर डबल बांड है और एक आपका थ्री पर डबल बांड है, तो वन कमा करके थ्री और डैश करके डाई इन, डाई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डबल आपका बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के लिए आप ई एन लिखते हैं, तो डाई इन। बहुत सिंपल आपकी थी, समझ में आया? जरा सोचिए, त्रिबंध भी आएगा तभी आपको लिखना होगा। शायद अभी तक आप अवतार का परिचय नहीं लिए थे, कोई लगाए नहीं था, मैं रोज कहता था लगाए आप नहीं लगाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि आप हमेशा कमज़ोर महसूस करें, या हमेशा आप ये वाला, ये सब तो पढ़ाया ही गया था ना। अच्छा लिख लीजिए, चलिए सात नंबर देखो, सोच के बताना है तुम लोग क्या होगा इसका। सी एच थ्री, सी एच डबल बॉन्ड आपका दिया गया है, फिर सी एच, फिर सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। जरा सोचो क्या आप इसका नाम देख सकते हैं? वही, सुनो ध्यान से, वही तरीका है। आप पहले ब्यूट लिखिए, चार है तो ब्यूट लिखिए, और देखिए कितने पर डबल बॉन्ड आ रहे हैं, दूसरा क्या कार्बन पर, टू और इन लिख लीजिए क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए इन लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर वन लिखेंगे, टू लिखेंगे, थ्री लिखेंगे, फोर लिखेंगे, और ब्यूट लिख करके यहाँ पर टू लिख करके ई यानी जोड़ देंगे, तब ब्यूट टू इन का प्रयोग। क्यों टू लिखा गया है? टू इसलिए लिखा गया क्योंकि दूसरे को डबल बॉन्ड आया। इन क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आया है, इसलिए हमने क्या किया है, इन लिखा है। चलिए आठ नंबर आपके पास है, आप सी टू एच फाइव सी एच ओ का यूज करके आपको बनाना, ठीक है? जरा सोचो क्या होगा इसका नाम, सोच के बताओ। तरुण बताओ तो तनी, ये सी टू एच फाइव सी एच ओ है, नाम क्या होगा इसका? अरे यार ये नहीं पता चला है, कार्बन तीन है, तीन के लिए क्या लिखते हैं यार? सीखो तनी, दू में तो नहीं हो तुम लोग, इतना पढ़ाया जाए। अब तो लगभग हमको लगता है 20-25 दिन से पढ़ रहे हैं इसको। तीन है तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन लिखिए, क्या दिक्कत है यार, प्रोपेन लिखो। नहीं समझ में आ रहा, सी एच ओ है, इधर आ जाओ, सी एच ओ है, देखो ई एल मैंने बताया, आप इसमें ई एल जोड़ दीजिए, प्रोपेन है। चलिए नाइन नंबर पर आते हैं हम लोग, नाइन नंबर पर दिया गया सी एच थ्री ओ और सी टू एच फाइव। जरा सोच के बताओ इसका नाम क्या होगा, सोचो। अथाक्सी, यही सवाल था, आपको याद होगा शैलेश बाबू जो आप गलत बताए थे और आज आप सही बताने का पूरा प्रयास करें। क्या नाम होगा बताओ? अथाक्सी आज भी गलत कर रहे हैं, सोचिए यार। ये कार्बन है तो इसके लिए मेथ लिखेंगे, ये दो कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखेंगे? और तो कहीं कार्बन है ही नहीं ना, बीच में तो वो है, बीच में तो कहाँ है, वो है, एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एक। और जरा सोच, एल्काक्सी एल्केन, मैंने कल बताया था कि मन जो भी पढ़ाया गया होगा तो पहले जो आता है उसको इसमें लिखा जाता है, पहले आता है इसमें लिखा जाता है, तो पहले कार्बन दो आया है तो दो के लिए क्या लिखेंगे? एथॉक्सी, दो के लिए इसमें रख दो ना, इसमें रख दो, आल के जगह पर ये तो रखो, ऑटोमेटिक एथॉक्सी बनेगा, ये तो मशीन है, आल का आपका मशीन है, जो है उसको डालो खुद बना देगा। यहाँ ये तो लिखो, ये तो लिखो आप, और जब ये तो डालोगे तो वो एक ऑटोमेटिक है इसमें जुड़ जाएगा। चलो अब आल का फिर इसमें, ये भी मशीन है, इसमें डालो जो आया मेथ और बाकी इसका आगे जो है यानी जोड़ जाएगा, तो आपका एथॉक्सी मीथेन हो गया। समझ रहे हैं? इसीलिए मैंने आपको पूरा पढ़ा करके कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सब आपको ये मैंने बताया है। अगला आपके पास है सी एच थ्री सी एच टू सी डबल ओ एच, पहचानिए
पहचानिए सी डबल एच है कारबाक्सली का है ए विवेक कहाँ देखो यार का नाम होगा देखो याल के लिख दो ठीक है आल के जगह पर जो बस यही तो मशीन है इसमें कार्बन काउंट करो तीन है और तीन है तो प्रूफ डाल दो बाकी इसका आगे जोड़ दो जितना है ए एन ओ आई सी और एसी ले तो एसी लिख दो बन गया आपको क्या दिक्कत है इसमें बस आपको आल के को देखना है कितना आ रहा है उसी में डाल दो वह ऑटोमेटिक निकल जाएगा आपका बन करके कह रहे इसमें C2H4 याद करो C2H4 ये किसका है इसका दुगुना है और आपको थोड़ा सा मैं परिचय एक बार फिर कराऊं CnH2n+2 एल्किन का सूत्र CnH2n एल्किन का CnH2n-2 एल्काइन का होता है ना तो क्या नाम होगा इसका सोच के बताओ एथीन होगा क्योंकि किस फार्मूला पा रहा है इस पर आ रहा है संरचना भी देखो अगर ऐसा दिक्कत होगी तो आप संरचना भी बना के दिखा सकते हैं इस तरीके से CH2 और डबल बॉन्ड CH2 अब सिंगल आप लगाएंगे तो पूरा ही नहीं होगा दो हाइड्रोजन के एक बॉन्ड चार ही हो रहा है ना तो यहाँ पर दिखाइए सोचो देखो दसवां पढ़ते हैं और आपको एक बार फिर कहूँगा ये जितने चीज़ें आप हैं एकदम आपको क्लियरली होना चाहिए कोनो भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए बात समझ रहे हैं ये आपकी मेहनत है आप जितना मेहनत करेंगे ईमानदारी से पढ़ेंगे उतना जल्दी सब सीख जाएंगे समझ रहे चीज़ इसीलिए मैंने कहा कि आपको इससे भी पढ़ा दें कि आप भी समझ जाएंगे कि हाँ ये कैसे लिखा गया है कोई आपसे पूछे तो आप तुरंत इसको बना सकते हैं चले आगे बढ़ें मिटाएं इसको आइए आपके अवतार में सब लिखा होगा खाली आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसमें आप देख करके बता देंगे अब आपके पास नेक्स्ट दिया गया है देखिए वही संरचना भी बनाया था आपका 12 नंबर है आपके पास 12 नंबर कह रहा है इसमें कि CH3 CH2 Cl है इसका भी नाम सब लोग जानते हैं जरा सोच के बताओ Cl को क्या कहेंगे आप 1 नहीं लिखेंगे तभी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है 1 क्लोरो Cl के लिए क्या लिखते हैं क्लोरो या खाली क्लोरो कह दो आ कार्बन कितना हुआ 2 तो क्लोरो एथेन कह दो क्लोरो नहीं लिखो क्या दिक्कत है क्लोरो लिखो क्लोरो और 2 कार्बन है तो एथेन लिखो क्लोरो एथेन चलिए 13 नंबर पर आ जाते हैं हम लोग 13 नंबर में आपका दिखा रहा है इसमें क्लोरो एथेन है तो नेक्स्ट आपका दिया है CH3CO CH3 अच्छा ये किसका हुआ कीटोन का है क्योंकि सीओ आया है जब सीओ आया तो किसका हुआ कीटोन का तो कीटोन का तो कितने हो रहा है 1 2 3 चलिए 3 है तो प्रोप लिख करके प्रोपेन लिख करके वो यानी जोड़ देंगे ना प्रोप लिखो ना केवल बाकी ऑटोमेटिक निकल जाएगा देखो कहीं होगा यहाँ पर है देख रहे हैं आल का आपका है तो प्रोप लिख करके वो तो प्रोपेन आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग इस तरीके से आप क्या नहीं लिख सकते हैं आप पूरा लिख कर लेकर आएंगे ठीक है जितना आपका दिया है 32 आपके हैं देखो एक एक्स का मतलब होता है 10 दूसरे का एक्स का मतलब होता है 10 तीसरे का होता है 10 यानी एक्स एक्स आई आई दिया है 3 एक्स का मतलब 30 आई 2 मतलब 2 तो आपका 32 है ये रोमन अंक में लिखा गया है पूरा आपके 32 है बना के लेकर क्या पाएंगे बात समझ रहे हैं कितना अच्छा आपके ये कल मैंने बताया था संरचना सूत्र भी दिया गया उसको भी आप लिख कर लेकर के आएंगे ठीक है कपड़ी संख्या जो आपके एथनोइक अम्ल है उसको आप लिख कर लेकर के आएंगे बना लीजिएगा बाकी आपको